वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी में। और दोस्तों, जैसे कि आप सब काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं अपने सॉल्ड पेपर बुक ईओ आरओ के लिए, तो फाइनली जो है बुक प्रिंट होकर के आ चुका है और आप जो है इस बुक को अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो चर्चा करेंगे आज इस बुक की काशित के बारे में कि ये बुक के जो कंटेंट है कहाँ से लिया गया है और आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है और आपको क्या क्या जो है इसमें मिलने वाला है, किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में जो है, क्योंकि आपको बता दूं नगर पालिका अधिनियम 2009 जो आपके सिलेबस में दिया है पार्ट बी का, उसमें जो है इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि 2009 का जो अधिनियम है, जो एक्ट है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही घूम फिर करके आने, क्योंकि पिछली भर्ती में जो लगे थे उसमें भी आप मान के चलिए ईओ आर ओ के जो है शिफ्ट वाइज पेपर हुए थे, तो काफ़ी क्वेश्चन जो है पहले जो पेपर हो चुका था ऑलरेडी डेट को, वो वापस से उनमें काफ़ी बाद में जो पेपर हुए उनमें क्वेश्चन रिपीट देखने को मिले थे। तो यहाँ पर ये दो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ सैंपल के तौर पे, ठीक है, ये दो बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं सिर्फ एक बुक का कंटेंट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 30 सोल्ड पेपर, यहाँ पर लिखा 30 सोल्ड पेपर, ठीक है। और ये जो है पिछली भर्ती परीक्षा के सोल्ड पेपर है, ठीक है, 2015 में जो वैकेंसीज आई थी आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पहला पेपर दे रखा है, यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, सेकंड पेपर दे रखा है, पेज नंबर लिखा हुआ है। तो टोटल जो है आपके यहाँ पर 30 पेपर दे रखे हैं, ठीक है, कितने 30, यहाँ पर ये 30 नंबर का पेपर होगा और पेज नंबर ये यहाँ पर दे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेज जो है इसमें 240 है और आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पहला सोल्ड पेपर, इसी को जो है इसको सोल्ड पेपर नाम दिया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपके पार्ट ए में आपके सिलेबस में दे रखा है राजस्थान की जो है हिस्ट्री दे रखी है, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री में जो है आपके काफ़ी चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है, हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति, और डीपली में जो है फुल जो सिलेबस डाला है उसमें काफ़ी चैप्टर है, ठीक है। तो राजस्थान की हिस्ट्री में जो पिछली भर्ती में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको पार्ट ए में मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 109 तक जो है आपका पार्ट ए कवर करेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, चंदबरदाई ने अपने किसी ऐतिहासिक कविता में पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा का वर्णन किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ये यहाँ पर इसके आंसर दे रखे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ये जो है आंसर दे रखे हैं, ठीक है। और आपके जो है हिस्ट्री के अलावा जो है सिलेबस में पार्ट ए में दे रखा है ज्योग्राफी, ठीक है, भारत सॉरी राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी से भी जो है आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपके नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो यहाँ पर संविधान के क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपको सिलेक्शन में लाने के लिए। तो यहाँ पर संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपको ध्यान से देखने हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं संविधान का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उस अधिकार की पहचान करें जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका अनुमोदित करके लागू किया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अपील, ठीक है, और यहाँ पर ये दे रखा है अपील, ये आंसर दे रखा है इसका, ठीक है। और इसके अलावा जो है अपने चलते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है जयपुर में हाथी महोत्सव में रस्सा कस्सी हाथी और पुरुष एवं महिला के बीच आयोजित की जाती है, इसमें कितने पुरुष और महिलाएं भाग लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फिट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं रिपीट होने के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 109 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 109 तक जो है आपके पार्ट ए को कवर करेगा, जिसमें आपके राजस्थान की हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और राजस्थान की राजव्यवस्था, ये तीनों ही चैप्टर जो है इसमें कवर हो जाएंगे। जो पिछली भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए उससे आपको जो है एक आइडिया लगेगा एग्जाम में किस लेवल का था और इस बार लेवल क्या रहने वाला है, तो उससे आपको एक गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी, पार्ट बी का जो है आपके पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 से, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 109 से। तो अभी यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन नंबर 102 है ये लास्ट यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। तो 109 में ये पार्ट बी नगर पालिका अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, ठीक है। वह न्यूनतम राशि क्या है जो उस भूमि आवंटन के लिए प्रीमियम के रूप में प्रति वर्ग मीटर पर आरोपे हैं जिसके लिए कोई भूमिगत सीवरेज प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा 3.25 रुपये, ठीक है, यहाँ पर ये इसका आंसर दे रखा है और ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 110, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित नगर निगम बोर्ड क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निगमित निकाय। तो यहाँ पर ये इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के द्वारा 49 के संदर्भ में असहमति का नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को संबंधित नगर पालिका के लिए अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 30 दिन, ठीक है। तो ये आपके नगर पालिका अधिनियम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें 9 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 117, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 30 के अंतर्गत किस नगर पालिका में चुनाव प्रश्न पूछने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल से जो है कैलकुलेशन बताऊंगा, जैसे कि इसमें 30 पेपर दे रखे हैं, ठीक है। अब एक पेपर में जो है हमने आपके पार्ट बी के जो है 12 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि पिछले जो एग्जाम में है आपके 120 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में, ठीक है। तो 120 क्वेश्चनों में से जो है आपके 108 तक जो है पार्ट ए था और 109 से लेकर के 120 तक जो है आपके पार्ट बी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और 1974 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं चाहता तो इसमें आपके एक पेपर में 40 क्वेश्चन भी कर सकता था पार्ट बी के, लेकिन मैंने नहीं किए क्योंकि सोल्ड पेपर में ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने नाम ही सोल्ड पेपर दिया है। सोल्ड पेपर का मतलब हुबू जो पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया वो आपके यहाँ पर सेम टू सेम मैंने यहाँ पर आपके लिए बुक के रूप में प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलिए जैसे कि इसमें 30 पेपर है, ठीक है। अब 30 पेपर के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे, 30 पेपर इंटू 12 क्वेश्चन, तो 360 क्वेश्चन हो गए। 360 क्वेश्चन में अपन 40 क्वेश्चन और रखेंगे तो लगभग जो है 400 MCQs हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे कि मार्केट में सपोज करिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट ए और पार्ट ए के आपके लिए जो है 80 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा देता, ठीक है। और पार्ट बी के जो है एक पेपर में 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देता, 10 पेपर में 16 पेपर मार्केट में वैसे भी उतार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आपके लिए जो है टोटल 30 पेपर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने का मौका मिले कि पेपर का लेवल क्या रह सकता है, पिछला पेपर जो है किस लेवल का था, और आगामी जो भर्ती आपके RI ARI की भी आने वाली तो उसमें भी आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हो सकता है सेम टू सेम RI ARI का आपका सिलेबस सेम टू सेम देखने को मिले। तो ये आपके EO तक सीमित नहीं है ये सोल्ड पेपर, ये RI ARI का जो वैकेंसी जाएगा उसमें भी ये आपके काम आएंगे। और बहुत जल्द जो है दिवाली के बाद कभी भी जो है कर्मचारी चयन बोर्ड जो है आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर का वैकेंसी जारी कर सकता है। तो ये आपके EO RO में तो काम आएगा सही, उसके अलावा RI ARI में भी आपके काम आएगा। तो ये बुक बिल्कुल भी मिस मत करना, आप मंगवा लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया 400 क्वेश्चन चाहता तो मैं 10 सोल्ड पेपर मार्केट में उतार देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है और आपको हुबू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाएं। और हम आपके लिए जो है अभी आपके चल रहा है सितंबर, मतलब लगभग ख़त्म हो गया सितंबर, आज 27 तारीख हो गई, 3-4 दिन और बचे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अक्टूबर के लास्ट तक जो है हम आपके लिए थ्योरी बुक लेकर के आएंगे, चैप्टर वाइज MCQs रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो उसके अलग से हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। उससे जो है आपकी जो है प्रत्येक चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप, मैं देख रहा हूँ काफ़ी पूछ रहे हैं कि सर क्लास कहाँ से ज्वाइन करें और बुक कौन सी से पढ़ें, तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि अभी आपके एग्जाम डेट काफ़ी लंबी किसका दी है, तो बच्चे जो है बेस्ट से बेस्ट बुक सर्च करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हमने अभी तक जो है आपके लिए सोल्ड पेपर उतारे हैं मार्केट में और ओरिजिनल उतारे हैं, ठीक है। और अभी मार्केट में 2-4 किताबें जो भी आई है आपने देखा होगा कट कॉपी पेस्ट है, किसी में भी कोई दमदार वाला मैटर नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले बुक आएगा तो हमारा आएगा आपके लिए थ्योरी के साथ MCQs के साथ में, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट रहेगा। तो थोड़ा सा वेट करिएगा आप, और टाइम काफ़ी लंबा है आपके लिए एग्जाम का, तो आपको आराम से भरपूर टाइम मिलेगा पढ़ने का, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। सितंबर चल रहा है अभी और अक्टूबर के लास्ट तक जो है हम आपके लिए जो है थ्योरी वाला बुक लॉन्च कर देंगे जिसमें चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे आपको। और अभी ये सोल्ड पेपर आप मंगवा लीजिए, इससे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपने ऑनलाइन जो है क्लासेस ज्वाइन करी है तो वहाँ पर भी आपको MCQs देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ सब जो है थ्योरी क्लियर करा रहे हैं आपकी, तो इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तक आपको किसी भी कोचिंग वाले ने 500 MCQs तक भी नहीं दिए होंगे किसी भी कोचिंग वाले ने, ठीक है। और इसमें जो है आपको लगभग 360 MCQs पार्ट बी के मिलने वाले हैं, ठीक है, 360 तो ये मिलने वाले हैं आपको, और जो भी ये बुक मंगाएगा, ठीक है, और मुझे जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैसेज करेगा पर्सनली या ग्रुप में या पर्सनली जैसे भी है या व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो उसको जो है मैं आपको जो है 10 पेपर और प्रोवाइड करवाऊंगा। कितने? 10 पेपर और प्रोवाइड करवाऊंगा। तो 10 पेपर मतलब 30 तो ये हो ही गए बुक में,
और 10 पेपर और प्रोवाइड कराऊंगा तो 30 और 10 40 पेपर हो जाते हैं। तो 40 पेपर के आप पार्ट बी के क्वेश्चन मान के चलेंगे तो 480 क्वेश्चन हो जाते हैं। 400 से मतलब आप 500 क्वेश्चन मान सकते हैं। 500 क्वेश्चन मेरे हिसाब से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि पिछली जो पेपर लगे थे आपके लगभग जो है उसमें मान के चलिए आप यू आर ओ आर आई आर आई के जो पेपर लगे उसमें काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट देखने को मिले थे। बाद में जो ज़्यादा लंबे एग्जाम चले थे क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो खत्म हो चुका था, कहाँ तक क्वेश्चन बनाए, क्योंकि क्वेश्चन जितने बनाने थे वो बना चुके थे और जो आने थे वो आ चुके थे। तो वापस से पेपर में जो है आगे की डेटों में वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और इस भर्ती में जो है आपने अगर ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर कर लिए ना तो मैं दावा करता हूँ आपके राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। 1974 से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं टोटल इसमें मैंने 30 पेपर प्रोवाइड करवाए, और जो भी मुझे व्हाट्सएप करेगा मेरे नंबर पर बुक के साथ पिक की फ़ोटो खींच के उसको मैं 10 पेपर की पीडीएफ और प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उसको जो है टोटल 40 पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो 40 पेपर में वो आसानी से जो है पार्ट बी की तैयारी आपकी ईजिली हो जाएगी और इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ सोल्ड पेपर है आपके लिए, और बहुत जल्द जो है हम आपके लिए थ्योरी बुक लॉन्च करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया सितंबर चल रहा है लास्ट, और अक्टूबर के लास्ट तक आपका थ्योरी बुक आ जाएगा। उसके बाद में जो है हम आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट, जिसमें ओवरऑल पार्ट ए पार्ट बी दोनों कवर हो जाएगा आपका, और अच्छे से जो है आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम तक हमारा यही शेड्यूल है, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्द जो है आपको सारे ही कंप्लीट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बुक मिलने वाली, बैठ से बैठ देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक डिफरेंट चीज़ कोई लेकर के आए तो वो हम लेकर के आए सोल्ड पेपर। अभी तक जो भी लेकर के आए नगरपालिका अधिनियम 2009 का जो एक्ट पड़ा था डीएलबी की साइट पे, तो वही सेम टू सेम हिंदी एंड इंग्लिश में सबने छाप करके मार्केट में उतार दिया। और उस टाइम पे सबको ये लग रहा था दिसंबर तक एग्जाम लग जाएगा, तो जल्दबाजी में सबने परचेज करी, सबने खरीदी, और अब वो पछता रहे हैं कि मैटर इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी डिफिकल्ट है। और ये आप मानते भी इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं। ज़्यादा बुक नहीं है ये, 1100 बुक है, क्योंकि आपको पता ही है कि फोरम लगभग जो है इसमें आप मान के चलिए 1 लाख प्लस तो रहेंगे ईजिली रहेंगे 1 लाख प्लस तो। ठीक है, ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, तो 1100 बुक ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में हम प्रिंट नहीं करवाएं, क्योंकि हम पार्ट इसका जो है सेकंड बुक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी और एमसीक्यूज की, इस वजह से मिस मत करना, जिसको भी मंगाना जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि जिसको मिल जाएगा उसको मिल जाएगा। बाद में हमारा मूड के ऊपर है, प्रिंट करवाए तो कराए, नहीं तो, क्योंकि हम जो पार्ट बी की जो है थ्योरी वाली बुक लॉन्च कर रहे हैं जिसमें एमसीक्यूज इंक्लूड करेंगे, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और उसकी कॉपी ज़्यादा प्रिंट करवाएं, इस वजह से आपको फिर ये बुक नहीं मिल पाए। ठीक है, तो 1100 कॉपी ज़्यादा नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंगवा लीजिएगा। और ये जो है आप सिटी के एड्रेस पे ही ऑर्डर करिएगा, क्योंकि अमेजन की डिलीवरी सिटी के एड्रेस पे ही है। अगर ग्रामीण एरिया में आप करेंगे तो वहाँ पर आपको डिलीवर नहीं हो पाएगी। कोशिश ये करेगा आप ग्रामीण एरिया में मंगवाना चाहते हैं तो आपके मित्र किसी से भूल ही गए जो पास में रहता है, तो उसके एड्रेस पे वो मंगवा ले जब भी वो गाँव आए करे। ठीक है, अभी दिवाली तो वो आपको दे देगा गाँव में। ठीक है, क्योंकि आप ग्रामीण एरिया में करेंगे तो वापस से ऑर्डर जो है हमारे पास आ जाएगा, वो जो है आप तक बुक पहुंच नहीं पाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पर लगभग जो है आप देख सकते हैं लास्ट में 240 पेज का है ये। ठीक है, और ये देखिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला 119, 118, 117, 116, और यहाँ पर देख सकते हैं 113 1974 अधिनियम से रिलेटेड है, 114 जो है 2009 के अधिनियम से रिलेटेड है। तो यही क्वेश्चंस आपके रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, इनके ऊपर आपको ज़्यादा जोर देना है। बाकी मैंने बुक का रिव्यू कर दिया है और इनके आंसर मैंने बता दिए, क्वेश्चन के जस्ट बगल में यहीं पे आंसर दिए हैं सभी के। ठीक है, आंसर के पीछे नहीं है, बिल्कुल बगल में दे रखी है, तो आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि बिना देखे सोचे आप अमेजन पे जो है वहाँ पर रिव्यू डाल दो कि आंसर की तो है नहीं, कि सोल्ड पेपर उतार दी, क्योंकि बहुत सारे जो है ना आँखें कमज़ोर होती है बच्चों की, देख नहीं पाते हैं, तो मैं आपको पहले ही जो है वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अभी से आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्टॉक में है बुक, 1100 बुक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।